बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो सेम बने। उसके लिए मैंने 1 kg आलू ले ली है और उसको इस तरह फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। थोड़ा मोटा काटा है, बारीक ना काटिएगा, मोटे ज़रा ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। इसके लिए अब मैं लूँगी, ये है हमारे पास बेसन, ये तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस ताकि अच्छे से हम इसकी कोटिंग हो जाए। 2 चुटकी के करीब इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक के डाले हैं, 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून जो है जीरा, उसको इस तरह हाथ में मसल कर वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन, इससे तो टेस्ट और लाजवाब हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और उसके बाद इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी, इसकी अच्छे से कोटिंग ताकि हो जाए। आप आलू को पहले अगर जब आप काट लें तो इतना ही देर आप इसको धोएं कि इसका जो व्हाइट वाला पानी है वो बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद आपके फ्राइज बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी अच्छी सी मोटी सी कोटिंग हो जाए। जी ये देखें, हमारी कोटिंग जो है वो अच्छे से हो चुकी है। आप इस स्टेज पर इसमें नमक मिर्च जो है वो टेस्ट भी कर सकती है, और अगर आप आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इधर मैंने घी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 1/2 kg के करीब मैंने घी लिया है। आप अगर लेना चाहें कुकिंग ऑयल तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन घी में जो है फ्राई हुई हुई चीज़ ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब मैं घी का गर्म होने का इंतज़ार करूँगी, जैसे घी गर्म हो जाएगा फिर हम अपने फ्राइज फ्राई करेंगे। जी घी जो है हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें फ्राइज डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह आप पट्टे डाल दें, कोई मसला नहीं है, ये खुद ही बाद में खुल जाते हैं। अब हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह, हमारे फ्राइज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और अच्छे से, जैसे लाइट सा ब्राउन कलर भी आ गया। हम थोड़ी देर इसको और ब्राउन करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस इतने मज़े के लग रहे हैं फ्राइज, दिल तो कर रहा है जैसे बन जाए फौरन। मम्मा से सबसे पहले मैं ले लूँ। जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइज रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ। जी ये देखें, ये जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं उतने ही ये टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुशी रहम और करम फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।